ये देखिए इस तरीके से मैंने क्विल्ट किया हुआ है, ऊपर मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग और बीच में इस तरीके से आटा बैग, सीमेंट बैग डाला हुआ है। आप चाहे तो रबर शीट, फॉर्म शीट कुछ भी यूज कर सकते हैं और उसके चारों तरफ सिलाई लगाई हुई है। तो हमें दो क्विल्टेड पीस चाहिए इस तरीके से। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, ये है 16 इंच और इसकी लंबाई है 13 इंच। और दो हमें इस तरीके से स्ट्रैप चाहिए। स्ट्रैप की लंबाई सिंपल फोल्ड करके मैंने स्ट्रैप बनाई है। स्ट्रैप की लंबाई बता देती हूँ मैं आपको कितनी है, 25 इंच के मैंने ये दो स्ट्रैप लिए हैं। स्ट्रैप आ गए और हमें चाहिए यहाँ टॉप पे लगाने के लिए जिप, तो इस साइज की हमें जिप लेनी है। और जिप को फिनिश करने के लिए मैं यूज करूंगी इस तरीके से दो सिंपल स्ट्रेट पट्टियां। ये मैंने ली है 2 इंच की और इसकी लंबाई हमें इसके बराबर लेनी है। तो ये दो पट्टियां हमने ली है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसी से हम जिप को फिनिश करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे स्ट्रैप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें स्ट्रैप को लेना है, स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है ऊपर की तरफ, अटैच कर लीजिए। और एक स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे, तो दोनों स्ट्रैप को अटैच कर लिया। अब हमें जिप लेनी है, जिप को रखना है, ये जिप की सीधी तरफ है, इसे अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पे रखते हुए ये मैंने रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लग, ये देखिए ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे फिनिश करना है। तो ये वाले जो रफ एजेस हैं इन्हें भी हम फिनिश करेंगे। उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की थी जो आपको पहले दिखाई थी। अब ये वाली पट्टी को रखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको इसे सीधा कर लेना है इस तरीके से, इस पट्टी को इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ देना है और स्ट्रैप को कर देना है ऐसे ऊपर की तरफ। और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए पूरा लंबाई में, ये देखिए ये मैंने पूरा टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है आपको इस तरीके से, फोल्ड करते हुए ये जो हमने पट्टी लगाई है इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये जो रफ एजेस है ना, देखिए हमारे सारे, ये हमारे सारे रफ एजेस इस पट्टी से अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो हमारा बैग बिल्कुल फिनिशिंग से बनता है। अगर आप इस तरीके से जिप लगाते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से आपकी जिप लगती है। और एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक भी आपको नहीं यूज़ करना पड़ता, सिर्फ एक पट्टी लेनी पड़ती है, उससे आपका बैग फिनिश हो जाता है। ये मैंने रख दिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई ले, मैंने सिलाई लगा ली। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जिप हमारी बीच में इंसर्ट होगी, अंदर की तरफ से भी फिनिश है, रफ एजेस नहीं है, यहाँ से भी फिनिश है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से हमारा फिनिश हो गया एक तरफ। अब हम दूसरी तरफ की जिप लगा लेते हैं। दूसरी तरफ की जिप भी सेम इसी तरीके से लगानी है। ये वाला पीस लेना है हमारा, यहाँ पर लगना है, इसे रख दीजिए जिप की सीधी तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पे रखनी है आपको। ये मैंने रख दिया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर भी सिलाई, ये देखिए ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब ये वाली पट्टी लेनी है दोबारा से, यहाँ पे रखनी है इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, इसे भी पलट लीजिए इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारी जिप देखिए फिनिशिंग से बीच में अटैच हो जाएगी। अब इसे इस तरीके से रखिए, इसे भी यहाँ पे करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप स्टिच लगा ली। ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, इसे भी अंदर की तरफ, ये जो हमारी पट्टी आ गई देखिए, इसे बंद अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो देख ये देखिए ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए ये मेरी जिप अटैच हो गई, ये हमारी बैक साइड है पट्टी लग गई और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो बिल्कुल फिनिशिंग से देखिए हमारी जिप लग गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए। ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। और अगर आपको रनर इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक दिया हुआ है कि रनर को आप इजीली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे शेप दे देते हैं। तरफ शेप दे दी। अब हम यहाँ पे इसका बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए हम इसमें प्लीट्स वाला बेस बनाएंगे। तो यहाँ से जो राउंड वाला कॉर्नर है, जो हमारा राउंड है, उसके हाफ पे मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ से टोटल आपको 1.5 इंच की प्लीट डालनी है इस तरीके से। टोटल ये मैंने 1.5 इंच की प्लीट डाली है और इसकी लंबाई में रख रही हूँ 3 इंच। ये मैंने प्लीट का निशान लगा लिया, इसी निशान को इस तरफ भी ट्रेस कर लीजिए।
इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है वन, और सेम उसी तरीके से सारी प्लीट्स पे ये देखिए ये जो मैंने निशान लगाया था सिलाई लगा ली है उस पर 1 2 3 4 चारों पे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होता है देखिए, इस तरीके से हमारा बेस बनता है देखिए। तो बैक का हमारा यहाँ पे देखिए इस तरीके से बेस बनता है, ये मैंने इसीलिए सिलाई लगाई है कि नीचे की तरफ से हमारा इस तरीके से बेस बने, फ्लैट सा ना बने बैग और उसका अच्छा सा नीचे बेस बन जाए। तो प्लीट डालने से हमारा यही होता है देखिए, इस तरीके से हमारा बेस सा बन जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई कैसे लगानी है, इसे रखना है इस तरीके से, ये मैंने रख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लग, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके पूरी एंड तक सिलाई लग गई। अब रफ है जिसको सिंपल स्ट्रेट पट्टी लेनी है इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक रफ है जिसको फिनिश कर लीजिए। ये मैंने फोल्ड किया, यहाँ पे रखना है हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ। तो देखिए रफ एजेस हमारे इस तरीके से फिनिश हो जाएंगे। इस तरीके से रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। मैंने इसे सीधा कर लिया तो इस तरीके से हमारी देखिए जिप लग गई फिनिशिंग के साथ, ये फ्रंट साइड आ गई, यहाँ पे हमारे स्ट्रैप आ गए, ये बैक साइड आ गई, और ये बिल्कुल फ्लैट नहीं बनता, यहाँ पे प्लीट्स डालने की वजह से ये हमारा थोड़ा सा इसका बेस अच्छा बनता है। इस तरीके से फ्रंट साइड बैक साइड, और ये देखिए ये क्यूट सा हमारा देखिए बैग बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने बनाया है। सिर्फ एक जिप खरीदी गई मार्केट से, बाकी घर में पक पड़े कपड़े से ही आप इसे घर पे ही बना सकते हैं देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ जिप आ गई, सिंपल और इजी तरीके से बिल्कुल रेडी।